Hello students, welcome again in spoken English section of the channel Know English Now. Let's start with some more sentences which are very useful for your speaking skills. Let's get started. Turant aao, come in fraction of seconds. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो ये फ्रेज है, इसका यूज़ हम कहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे हम कोई काम जल्दी करना हो. डू इट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, इसको तुरंत करो. नेक्स्ट वन इज जल्दी जाओ, लीव इमीजिएटली. आमने सामने खड़े हो जाओ, स्टैंड फेस टू फेस. इसे ठीक करो, फिक्स इट. घबराओ मत, डोंट पैनिक. हाँ या ना में जवाब दो, से यस और नो. शॉर्टकट में बताओ, बी ब्रीफ. इसे पक्का करो, इंश्योर इट. शांत रहो, स्टे क्वाइट. चलो इसे अब ख़त्म करो. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी फाइट और एनी आर्ग्यूमेंट. कोई आर्ग्यूमेंट अगर हमें ख़त्म करना है, देन वी विल से रैप इट अप. जल्दी हटो, मूव क्विकली. अगर हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि इस चीज़ को यहाँ से जल्दी हटाओ, देन वी विल से मूव इट क्विकली. इसे ऑन या ऑफ करो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम दोनों सिचुएशंस के लिए इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं. अगर हम बोलते हैं इसे ऑन करो, देन वी विल से टर्न इट ऑन. अगर हम कहते हैं इसे ऑफ करो, देन वी विल से टर्न इट ऑफ. इधर से आइए, आपके घर पे कोई गेस्ट आता है या आपके इंस्टीट्यूट में कोई गेस्ट आता है, उसे आप रास्ता बताते हैं कि भाई इधर से आना है आपको, इधर से आइए. देन वी विल से कम दिस वे. ध्यान से देखो, वॉच क्लोजली. मेरा कहा मानो, टेक माई एडवाइस. मिलते रहना, जब हम किसी को सी ऑफ करते हैं तो बोलते हैं कि भाई मिलते रहना, देन वी विल से कीप इन टच. मुझे डराने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू इंटिमिडेट मी. जब हमसे कोई हमारी सेविंग के बारे में पूछता है या पूछता है कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, देन व्हाट विल यू से, आई गेस इट हार्डली 30,000. वी कैन ऐड सम मोर वर्ड्स इन दिस सेंटेंस. आई गेस इट हार्डली 30,000 इन माय बैंक अकाउंट. हमारे पास कोई चीज़ है, कोई दूसरा आदमी उसकी थोड़ी बुराई करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए आप क्या कहेंगे? आई एम ओके विद दिस. आई एम ओके विद दिस. कुछ सिचुएशंस में हम बोलते हैं कि तुम्हारी बात पे मुझे एक जोक याद आ गया, तो हम क्या कहेंगे? दैट रिमाइंड्स मी एन इनक्रेडिबल जोक. दैट रिमाइंड्स मी An incredible joke. Look this picture closely. This man is saying to this hello, but this man didn't listen it. Then it again say, I said hello. इसका मतलब क्या है कि इस आदमी ने इसको बोला है hello, लेकिन इसने इसको ignore कर दिया, इसने इसको reply नहीं किया. Then ये क्या बोलता है? आई सेड हेलो, मैंने आपसे कहा हेलो. ठीक है, इसी तरह से आप कुछ और, जैसे मान लीजिए आप किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं लेकिन वो दूसरा आदमी जो है वो आपको रिप्लाई नहीं करता, देन यू मे रिपीट, आई सेड गुड मॉर्निंग.